दिस एक्सपीरियंस वाज टोटली डिफरेंट. नशे नशे में मर जाता मैं. To purify the mind and to be peaceful and happy. दिल तो आ गया. तो अगले 10 दिन हम बिताएंगे यहाँ. आई जस्ट वॉन्ट टू लिव हियर जन्नत में. और मैं मिलूंगी आपको 10 दिन के बाद, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आज मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ का ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा था ना विपस्सना मेडिटेशन का, वो शेयर करने जा रही हूँ. और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने आप सभी को बताया अपने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम और फेसबुक में कि मैं विपस्सना मेडिटेशन के लिए जा रही हूँ. तो बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए, मुझे DM किए और साथ ही कमेंट करके बताया कि ये करना वो करना, ये लेके जाना वो लेके जाना. सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली मेरा इतना ख्याल रखती है, चाहे वो YouTube की हो चाहे वो Facebook और Instagram की हो, जो इतना ख्याल रखती हैं और मुझे छोटी छोटी बातें बताती हैं. आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको ये लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस था, 10 दिनों का मेरा अनुभव था, वो बताने के लिए. और सिर्फ ये अनुभव नहीं बताऊंगी, बल्कि वो भी बताऊंगी कि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और उनको विपस्सना मेडिटेशन के बारे में नहीं पता कि कैसे होता है, कहाँ होता है, किस तरीके से जाएँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी. तो सारी पूरी वीडियो एक व्लॉग की तरह होगी. तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा. और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो तो आप लाइक कर ही देंगे. नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में. दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जानते हैं विपस्सना का मतलब क्या होता है. देखिए, नाम अपने आप में अपना मतलब बता देता है. विपस्सना, पस्सना का मतलब हुआ देखना. अब किस चीज को देखना? जो चीज जैसी है, जिस तरीके की है, उसको उसी तरीके से देखना. ना तो उसमें कोई चीज जोड़ना, ना ही उसमें कोई चीज घटाना. अब जो ये मेडिटेशन टेक्निक है ना, ये भारत में ही हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा अभ्यास की जाती थी बहुत सालों पहले, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 ये जो मेडिटेशन टेक्निक है ये विलुप्त होती गई. लेकिन वापस से गौतम बुद्ध जी ने इसका अभ्यास किया और 2500 वर्षों पहले इस जो टेक्निक है इसको वापस से रिडिस्कवर किया. अपने कुछ जो अनुयायी थे, अपने जो कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको ये मेडिटेशन टेक्निक जो है वो सिखाई बतलाई. और गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए ही ये भारत में आज ही विपस्सना मेडिटेशन के नाम से उसी तरीके से अभ्यास की जाती है. आज की डेट में गुरुजी SN गोयनका जी की गाइडेंस में ये मेडिटेशन टेक्निक देश और दुनिया में हर जगह अलग अलग सेंटरों में सिखाई जाती है. तो ये तो हुआ विपस्सना का मतलब. अब ये विपस्सना मेडिटेशन में आखिर करते क्या हैं? विपस्सना मेडिटेशन में एक्चुअली टेक्निक बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इंसान कर सकता है. इसमें पहले से योगाभ्यास या कोई और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिल में सीखने की इच्छा होनी चाहिए. तो इसमें करते क्या हैं कि आपकी ही आती और जाती हुई सांसों को देखना होता है. गुरुजी आपको गाइड करते हैं और उस आती और जाती हुई सांस को, अपनी खुद की सहज स्वाभाविक सांस को देखते हुए आप सत्य की खोज में निकलते हैं. आप अपनी ही सांसों को समझते हैं, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, अपने चित्त की जो अशुद्धियां हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको दूर भगाते हैं, साथ ही अपने मन को एकाग्र और मन को शांत करते हैं. अब इसके लिए ना तो वहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण करवाया जाता है, ना तो कोई कर्मकांड करवाया जाता है, ना तो कोई भी चीज़. इसीलिए आपको टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है कि मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, कुछ भी किसी भी धर्म से रिलेटेड हूँ, आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि वहाँ पर तो कुदरत का कानून चलता है. अब कुदरत का कानून ये है कि वो हर एक इंसान पर एक समान लागू होता है, चाहे वो व्यक्ति इंडिया में रहता हो, चाहे वो व्यक्ति अमेरिका में रहता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर एक पर कुदरत का कानून चलता है. कैसे? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सिंपल उदाहरण के लिए समझिए.
कुदरत का कानून क्या है, अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो सबसे पहले उस बुराई का इफेक्ट आपके ऊपर होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी पर क्रोध करती हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ, किसी के प्रति ईर्ष्या रखती हूँ, तो उस ईर्ष्या की जलन सबसे पहले मुझे जलाएगी। तो हुआ ना कि कुदरत ने, जब आपने किसी के प्रति बुरा सोचा तो कुदरत ने आपको तुरंत दंड दिया, उस ईर्ष्या के कारण आप व्याकुल हो गए। वहीं जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, किसी का काम नहीं बन रहा है उस काम को बना देते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी पर दया करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। तो कुदरत ने आपको तुरंत रिवॉर्ड दिया। तो कुदरत का कानून इस तरीके से कि जब आप कुछ बुरा करते हैं तो उसका दंड सबसे पहले आपको मिलेगा, और किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी, उसके लिए पुरस्कार भी सबसे पहले आपको मिलेगा। तो कुदरत के कानून को मानते हुए वहाँ पे कोई भी ऐसा जाप, कोई भी ऐसा मंत्र उच्चारण कुछ भी नहीं होता, इसीलिए मन में कोई भी शंका मत रखिएगा। सिर्फ आपकी ही शुद्ध, जो आपके शरीर में ही ये सांस चल रही है, इसका ही माध्यम लेके आपको बाकी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके लाभ क्या हैं, इस मेडिटेशन टेक्निक को करने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो आपके मन की जो व्याकुलता है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। सच बताऊं मैं, अगर आपने अपने अंदर एक समर्पण की भावना, सरेंडर की भावना रख के इस मेडिटेशन टेक्निक का अभ्यास किया, जितना गुरुजी बताएं सिर्फ उतना ही कर लेना, तो आपके मन की जो बहुत व्याकुलता है, उलझन है, वो सारी दूर होंगी। साथ ही अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जिसका जवाब हमें बाहर से नहीं मिल पाता, बहुत सी चीजों के जवाब भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। आपकी खुद की जो साधना है उसको आप काफी अच्छा क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, जिससे स्पिरिचुअली आप और भी आगे जा सकते हैं, अपनी साधना को और नया आयाम दे सकते हैं। साथ ही आपको पता है, हर एक बीमारी आपके मन से ही जनित है। आपकी जितना ज़्यादा स्ट्रेस कम होगा, उतना ही ज़्यादा आप रिकवर फास्ट होंगे। तो इस तरीके से बहुत सी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसमें भी इसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात तो आपको ये ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताती है। अब कौन कौन कर सकता है इस मेडिटेशन का अभ्यास? इस मेडिटेशन को कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी पहले से कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सिंपल, बहुत इजी है। आपको सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, जैसे गुरुजी गाइड करेंगे। और इसके लिए बहुत सी जगह पे, आपके देश और दुनिया में अलग अलग जगह पे इनके सेंटर्स हैं, और हर एक सेंटर में सिर्फ वही चीज़ सिखाई जाती है। यानी कोई भी सेंटर अगर मुंबई में है, कोई भी सेंटर अगर देहरादून में है, या धर्मशाला में है, या कानपुर में है, हर एक जगह की जो टीचिंग है वो एक ही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सेंटर अच्छा है या कौन सा सेंटर अच्छा नहीं है। हर एक सेंटर में एक ही तरीके की टेक्निक, एक ही ऑडियो, एक ही वीडियो चलता है। जो कि पैसा कितना लगता है, कितनी फीस है इनकी, इनकी फीस कुछ भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप एडमिशन लेते हैं, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, एक रुपया भी नहीं लिया जाता। और इसके अलावा जब आप इस अभ्यास को कर लेते हैं, 10 दिन का आपका पूरा अभ्यास हो जाता है, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, छोटा या बड़ा कोई भी राशि आप इनको डोनेट कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से लाभ हुए उस हिसाब से आप इनको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि दान का तो कोई मतलब नहीं होता, दान तो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आपने जब इस कोर्स में एडमिशन लिया था ना, तो आपके कोर्स को करने के लिए आपसे पहले जो साधक ये अभ्यास करके गए हैं, उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी डोनेशन दे दिया था। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जब अभ्यास कर लें, आपका पूरा कोर्स जो है पूरा हो जाए, तो आप किसी आगे आने वाले साधक के लिए अपनी तरफ से दान दे दें, डोनेशन दे दें। बस इसी प्रिंसिपल पर ये पूरा का पूरा जो विपस्सना मेडिटेशन का कोर्स है वो चलता है। अच्छा, 10 दिन में करवाते क्या हैं? 10 दिन में पहले के 3 दिन, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, वहाँ पे आनापान मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है गुरुजी द्वारा। फिर चौथे और पांचवें दिन आपको विपस्सना मेडिटेशन सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप अभ्यास करेंगे, और बीच बीच में जो वहाँ पे आचार्य जी होते हैं वो आपका एक्सपीरियंस भी जानते रहेंगे, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके के अनुभव हुए हैं, उसमें कोई गलती हो रही है, उसमें उसको आपको गाइड कर पाएं। साथ ही जो छठवां, सातवां, आठवां और नौवां दिन है, उसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप वहाँ पे उपस्थित जो शून्यगार हैं, वहाँ पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप
एक गहन साधना की अनुभूति कर पाए, गहन साधना जो होगी उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और दसवें दिन फिर आपको लाइक मंगल मैत्री करवाई जाती है, वो भी एक छोटी सी ही प्रक्रिया है, वो आपको सिखाई जाती है। तो ये हो गया 10 दिन का पूरा उनका शेड्यूल किस तरीके से होता है। अच्छा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जिनका आपको कड़ाई से पालन करना होगा, उसके बिना आप विपस्सना मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको आर्य मौन का पालन करना पड़ेगा, यानी नोबल साइलेंस का पालन करना पड़ेगा। आपको वहां पे उपस्थित किसी भी दूसरे साधक से ना तो बात करनी है, ना कि उनकी तरफ आई कॉन्टैक्ट करना है। आपके जितने भी मोबाइल एंड लैपटॉप्स हैं, जितने भी वैल्यूएबल्स हैं, वो आपसे ले लिए जाते हैं ताकि आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। दूसरा नियम ये है कि आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी। तीसरा नियम ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना, यानी जब आप आचार्य जी के पास जाएं, वो आपके एक्सपीरियंसेस पूछे, तो आपको उनसे झूठ नहीं बोलना है, जो चीज़ जैसी महसूस करते हैं वो बता दें। आपको किसी भी तरीके का नशा नहीं करना, सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं ना, तो आपको अलग अलग रुकने की व्यवस्था होगी। उस बीच आप अपनी वाइफ से या हस्बैंड से नहीं मिल सकते, ना ही उनसे बात भी कर सकते हैं। और साथ ही अगला ये है कि आपको किसी भी तरीके का, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उसकी ना तो कोई कर्मकांड करने की अनुमति है, ना तो आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई पूजा पाठ करने की अनुमति है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, जिससे कि दूसरे साधकों का ध्यान भंग हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि ये मेरी तरफ से मैं बता रही हूँ कि जाएं तभी जब आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा हो, जाएं तभी जब आप अपने अंदर एक समर्पण की भावना की जो सिखाएंगे जैसे सिखाएंगे मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तभी यकीन मानिए ये 10 दिन आप बहुत ही अच्छी एक ऐसी शिक्षा लेके आएंगे जो आपको उम्र भर बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी। चले गए वहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसी है, तो रहने के लिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है। हर एक साधक को अपना अलग एक कमरा दिया जाता है जिसमें कि आपको रहना है। किसी दूसरे साधक के कमरे में आपको नहीं जाना है, ना तो आपको उनसे बात करनी, ऑब्वियसली जब आप आर्य मौन पर हैं। और आपको खाना भी जो है तो वो टाइम टाइम से मिलेगा, और वहाँ पे आपके खाने पीने के लिए जो प्लेट है वो भी अलग अलग रहेगी। ये है लेडीज़ के लिए रहने के लिए जगह, जो कि सेपरेट है, पुरुषों की अलग है, ये लेडीज़ की जगह है। तो आइए मैं आपको अपना कमरा दिखलाती हूँ। मेरे कमरे का नंबर था F21 और ये खुल गया मेरा कमरा। मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर लिए क्योंकि आज ही हमें अपना मोबाइल मिला था, तो अपनी बेडशीट और पिलो कवर वगैरह सब रख लिया है मैंने। कमरा एकदम खाली है, इसी तरीके से मुझे मिला था। और ये आपको एक बिस्तर और एक रज़ाई दे दी जाती क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, और एक तकिया दे दी जाती है, और यहीं पर आप रहते हैं। अब दूसरी तरफ से भी एक बार मैं आपको ये चीज़ें दिखलाती हूँ कि कमरा दूसरी तरफ कैसा है। यहाँ हैंगर है और मेरा सामान ऑलरेडी, मैं इतना ही सामान लेके गई थी जो आपको दिखा ना, एक सूटकेस और एक लैपटॉप बैग। और ये आपको आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सेंटर छोड़ने से पहले आपको अपना कमरा साफ सुथरा करना पड़ता है ताकि दूसरे साधक रह सके। शेड्यूल क्या होता है इनका? शेड्यूल ये होता है कि सुबह आपको 4 बजे सुबह उठना होता है। उठने के लिए घंटी बज जाती है। 4:30 बजे से मेडिटेशन शुरू हो जाता है। 4:30 से 6:30 मेडिटेशन होता है। 6:30 से 8 बजे तक नाश्ता और बीच में रिलैक्स करते हैं। 8:00 से 11:00 बजे तक वापस से मेडिटेशन और बाकी की प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। फिर 11:00 बजे आपको लंच दे दिया जाता है। 11:00 से 12:00 बजे तक लंच करते हैं। फिर 12:00 से 1:00 बजे तक रेस्ट करते हैं। 1:00 से लेकर 5:00 बजे तक फिर से मेडिटेशन शुरू हो जाता है। शाम में फिर 5:00 बजे आपको चाय दे दिया जाता है, या दूध या काढ़ा, जो आपकी मर्जी है। चाय मिलेगी बस, और उसके साथ कुछ भी हल्का सा स्नैक्स दे दिया जाएगा। रात में डिनर नहीं देते हैं, शाम में डिनर नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद शाम में 7:00 बजे से वापस से शुरू होती है साधना। शाम में 7:00 बजे से रात के 9:00 बजे तक साधना शुरू होती है। 9:30 बजे तक अगर आप टीचर से कोई बात करते हैं, और उसके बाद आपको लाइट बंद करके सो जाना है। तो ये हुआ पूरे दिन का शेड्यूल, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। चाहे आप किसी भी सेंटर में जाएं, हर जगह यही रूल फॉलो होते हैं, यही शेड्यूल फॉलो होता है।
बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था खाना कैसा मिलता है। यकीन मानिए खाना बहुत अच्छा मिलता है। सुबह नाश्ते में आपको लाइक बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे चना और ढोकला, कभी कभी इडली और भी बहुत सी चीज़ें जो मुझे याद नहीं आ रही। यानी कि इंडियन खाना, सात्विक खाना देते हैं। दोपहर के वक्त भी आपको दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, कोई एक मिठाई, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। शाम के वक्त आपको जैसे हल्की पतली खिचड़ी दे दी, या कि फिर आपको मुरमुरे दे दिए, या टोस्ट दे दिया, चाय दे दिया, एक फल दे दिया। तो इस तरीके से खाना जो है लाइट ही होता है, और आपको खाना लाइट ही खाना चाहिए ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वैल्यूएबल टाइम है 10 दिन का, इसको आप साधना में दे दें। अगर आप खाना ज़्यादा खा लेंगे तो शायद साधना करने में आपको परेशानी भी हो। आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जानी चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको एक बेडशीट, आपको एक पिलो, आपको एक टॉर्च ले जाना चाहिए। बाकी कोई भी अलार्म वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पर्याप्त आपको घंटी वगैरह बजती रहती हैं। और इसके अलावा आपके शैम्पू और नहाने धोने के लिए साबुन, ब्रश और ये सब चीज़ें, मेकअप का कोई सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 10 दिनों के हिसाब से कपड़े हैं, आप उस तरीके से कपड़े रख लें, हल्के लूज कपड़े रखें, कोई भी ज़्यादा फैंसी कपड़े ना रखें, जिससे आप साधना आराम से करें और दूसरों का ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। सिंपल कपड़े आप लेके जाएं। इसके अलावा बाकी कुछ भी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना तो आपको किताब ले जाना है, ना पेन, ना डायरी, ना कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट दिन आते हुए हमें एक वीडियो दिखलाई गई, उसमें दिखलाया गया कि किस तरीके से विपस्सना मेडिटेशन का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो तिहाड़ जेल में बंद कैदियों पर भी इस मेडिटेशन को करवाया जाता है, और देश और विदेश के कुछ अन्य जेलों में भी इस मेडिटेशन का अभ्यास करवाया जाता है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि चलो किसी इंसान ने कुछ गलत काम किया, उसकी सज़ा उसको मिल रही है, लेकिन कल को वो अपनी सज़ा पूरी करके हमारे समाज में ही वापस जाएगा, और जब वो समाज में वापस जाए तो एक अच्छा इंसान बन के जाए, ना कि कोई बुरा इंसान जो कि समाज के लिए वापस से तबाही मचा दे। तो जो हमारे देश की पहली जो महिला IPS ऑफिसर हैं, किरण बेदी जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और तिहाड़ जेल में भी इस तरीके का अलग से एक लाइक वार्ड है, अलग से एक सेक्शन है जहाँ पे विपस्सना मेडिटेशन आज भी सिखाई जाती है, और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर जेल में बंद हुआ कैदी अपने आप को विपस्सना मेडिटेशन करके अपने लाइफ में बदलाव ला सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? एक कोशिश की मात्र ज़रूरत है, और इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, इस कला को सीखने की ज़रूरत है। चलो अब बात करती हूँ मेरे अनुभव के बारे में कि मेरा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। देखिए, मुझे यहाँ पे जाने के लिए ना ही किसी ने मोटिवेट किया था, ना ही इतनी सारी बातें बताई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मुझे बहुत बहुत वक्त से ऐसा फील हो रहा था कि जो भी मैं साधना कर रही हूँ उसमें मैं बहुत कंसिस्टेंट और रेगुलर थी, लेकिन मुझे ऐसे गुरु की शरण में जाना था जो कि मुझे इस विद्या को, जो ध्यान की विद्या है, उसमें और भी आगे तक लेके जाएं, और जो मेरी दिशा है उसको क्लैरिटी मिल जाए, एक लक्ष्य मिल जाए कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है और मैं जो कर रही हूँ उस दिशा में ही कर रही हूँ। तो इस विपस्सना मेडिटेशन के बारे में मुझे कम से कम 3 या 4 साल पहले मैंने सुना था, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ महीनों से मेरे दिल और दिमाग में ऐसा हो रहा था कि मुझे साधना को एक लेवल आगे तक ले जाना है। फिर मैंने कुछ सितंबर के महीने में, सितंबर 21 में ही इनकी वेबसाइट विजिट की, किसी से कुछ पूछा नहीं, ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि मुझे यूनिवर्स खुद लेके जा रही है इन चीज़ों की तरफ, कि मैंने किसी से डिस्कस किया हो कि विपस्सना में क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा कुछ भी किसी से डिस्कस नहीं किया। इनकी वेबसाइट में गई, रजिस्ट्रेशन किया, दिल में सिर्फ ये था कि मुझे ऐसा वक्त चाहिए जिसमें मैं कुछ देर शांत रह सकूं, कुछ दिनों तक शांत रह सकूं, और मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो। तो विपस्सना में तो ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं कि आपको शांत रहना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से को अवॉइड करना है, और साधना को वक्त देना है। बस मैंने सोचा कि यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, इनकी वेबसाइट में जाके इंतज़ार किया कि इनकी कॉल आए। फिर उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग वगैरह करी। पैकिंग में मैंने कुछ भी नहीं रखा था, सिर्फ मैंने कुछ कपड़े रखे थे। बाकी घर वालों ने भी कहा कि ये रख लो, बट मन में ऐसा था कि नहीं, वहाँ जा रही हूँ तो एक भिक्षुणी की ज़िंदगी जीनी है, कि किस तरीके से
अपनी सारी चीज़ों को दूर रख के और जो आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करना है और सिर्फ तपस्या करनी है और कुछ भी नहीं सोचा। जब मैं वहाँ पे गई दोस्तों, ये तपस्या थी तो इतनी देखिए आसान नहीं है ये तपस्या। इसमें आपको खुद को दिल की सच्चाई के साथ काम करना होता है, आपको खुद काम करना होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 10 दिन मेडिटेशन करके आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता हो पाता कि वो एक्चुअली में क्या करके आए हैं। तो अब जब मैं शुरू में 2 से 3 दिन, पहला दूसरा तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन से मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई, मुझे नहीं आना चाहिए था और बहुत टफ है। क्योंकि ऑब्वियसली सुबह 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आपको अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस करनी हो बैक टू बैक तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। लेकिन फिर 4th और 5th दिन मैंने अपने आप को बोला, अपने आप को बताया कि किस तरीके से आपने अपनी छुट्टी ली, किस तरीके से अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के आए हो, सिर्फ ये 10 दिन तो है ना। फिर अपने आप को इस तरीके से कन्विंस किया और लग गई बस साधना करने के लिए। साधना मैंने पहले दूसरे और तीसरे दिन भी की थी, लेकिन होता है ना कि जब आप कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी उपस्थित जो नेगेटिविटी है वो आपको पीछे की तरफ कहीं ना कहीं खींचती है। लेकिन जब आप उससे ऊपर उठ के आगे आ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी साधना पर पूरा ध्यान लगाया। जैसे जैसे जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुआ मैंने गुरुजी से शेयर किया, उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया और 10वां दिन आते आते मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस चेंज हो गया कि पहले मैं किसी भी चीज़ पे अगर रिएक्ट भी करती थी तो अब लगता है क्या रिएक्ट करना ज़रूरी है। अगर रिएक्ट करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं खुद को तो व्याकुल करूँगी, खुद को तो परेशान करूँगी। तो खुद को शांति में रखना इतनी बड़ी एक नेमत मिल गई मुझे कि मैं दिल से सुकून महसूस कर रही थी, दिमाग में बहुत शांति महसूस कर रही थी। फिर लगा कि यही चाहिए था जो कि बहुत टाइम से तलाश कर रही थी। मन का चैन, दिल का सुकून यही तलाश कर रही थी और मुझे ये चीज़ें मिली। अब मैं आपके साथ बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ कि उनको उनकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। Okay, well, I'm from South America, from Venezuela. I came here 2 years ago, just before the COVID situation, and I've been prolonging my stay here. Okay. I've done several vipassana, and I think it's a wonderful tool to purify the mind and to be peaceful and happy. Perfect. So how was your experience in India? India is a wonderful country. Like, I'm so thankful for for this. Yeah, like the people, there's still like a purity in the people here, and the tradition, the culture, it's so rich and so ancient, and I appreciate it a lot. I hope it doesn't get lost with all this, you know, changes that are coming that are also good, but yeah, I love India so much. Oh, wow. और यहाँ के और मजबूत हो गए कि चलो जो थे वो यानी सही रास्ते पे थे। जॉब चले जाने का मतलब चला तो नहीं गया, छोड़ कर के हस्बैंड के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए, प्लस हाउस वाइफ खत्म हुआ, प्लस बच्चे नहीं होना, तो ये सारा चीज़ हमको बहुत प्रॉब्लम करता था। लोग बहुत परेशान करते होंगे, खासकर सास ससुर बहुत टॉर्चर और ननद। अच्छा लग रहा है कि पीस शांति मिली यहाँ आके। हाँ बिल्कुल, है ना। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसके कारण डिप्रेस थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस तो लाइफ में पहले कभी नहीं है। मुझे एक्चुअली कुछ आंसर्स चाहिए थे जो कि स्टार्टिंग के 3 दिनों में तो मुझे मिल ही गए थे। उसके अलावा फ्लो में चलते रहे तो बहुत बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस। इट वॉज वेरी नाइस। Last 3-4 years, I'm totally into spiritual path, and last 10-12 years I'm meditating. But this experience was totally different. मतलब बहुत अच्छा। आई नो द कैसे वो रूट से उस चीज़ों को निकालना है। अभी तक कर रही थी मैं, डे टू डे का ये हो रहा था, बट रूट से कैसे निकालना है वो पता नहीं। मतलब ये था कि ऊपर चीज़ें कर रही थी लेकिन उसको जड़ से प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, कैसे निकालना है, हाँ, समझ में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नशे में मर जाता मैं, तो वही चीज़ है कि ही वॉज इन टू यू नो हार्ड ड्रग्स, एंड उसके बाद ही केम बैक आफ्टर कॉलेज टू हिज होम, तो ही उसके फैमिली वाले भी परेशान हो गए कि क्या कर रहा है। उसने खुद सब छोड़ने की कोशिश करी तो ये बोला कि रिहैब जाओ या कुछ, बट देन समवन सजेस्टेड गो टू विपश्यना, तो वहाँ गया
एंड उसके बाद 3-4 दिन तो उसकी हालत ख़राब हुई। 5th या 6th डे ही वेंट टू गुरुजी कि मुझे जाना है। तो गुरुजी ने उसे कुछ समझाया, कुछ पूछा भी कि ऐसे फील हो रहा है, उसने बोला हाँ, तो ही स्टेड। एंड ऑन द 8th और 9th डे ही हैड द सेम एक्सपीरियंसेस विच ही यूज टू डू ड्रग्स फॉर। ओके, ऑन द 8th और 9th डे एक बार ऐसा हुआ, तो वो उसको इतनी हिट हुई कि जब वो बाहर आया कोर्स से तो उसकी स्मोकिंग, उसके ड्रग सब कुछ छूट गए क्लीन। सो दैट इंस्पायर्ड मी एंड आई वॉज ऑल्सो इन टू नॉट हार्ड ड्रग्स बट अदर काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट इंस्पायर्ड मी व्हेन आई वॉज यू नो टू डीप इन टू इट, देयर वॉज नो वे आउट। तो तब मुझे लगा तो फर्स्ट जब किया था तो कैसा एक्सपीरियंस था? तो उसमें यही हुआ कि धीरे धीरे जैसे प्योरिफिकेशन हुआ ना, उसके बाद जब इसमें अधिष्ठान में बिठाते हैं, जब आपकी संकल्प शक्ति इससे बढ़ती है और आप अपने अंदर देखते हो, तो वो जो एक अंदर से ब्लिस आई, तो जो बचपन से ढूंढ रहे थे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, और खुद से अंदर से कैसे जॉय आएगा, बाहर ढूंढते रहते थे कुछ। आप सब्सटेंस क्यों यूज करते हो? यू आर लुकिंग फॉर अ हायर स्टेट, पर आपने अंदर से खुद से हायर स्टेट जनरेट कर ली, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, दैट इज ह्यूज, लाइक योर एंटायर पर्सनालिटी चेंजेस। फिर उसके बाद लोगों को मोटिवेट किया, बताया, तो उसके बाद तो फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप सबको बोलते हो कि यार एक बार तो चला जा बस, फिर देख ले। तो ऑब्वियसली इट्स अ हाई, आई हैव ट्राइड, वो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वन कोर्स इज अ मिरेकल, यू नो, नो नो नो, आई हैव डन 5 कोर्सेज, इट टुक मी 2 कोर्सेज टू कम आउट, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट कोर्स आई वेंट बैक टू दैट लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ आई मीन सम थिंग्स हैपेंड इन लाइफ, तो 1 साल के बाद वापस से हो, तो मैं फिर से आ गया कि ये चीज है ना। कुछ रिलेशनशिप का भी था कुछ ऐसा, वो तो पहले चला ही, रिलेशनशिप से पता लगा कि माइंड क्या कर सकता है आपके साथ। जब ब्रेकअप होता है ना, तब आप अपने माइंड के अगेंस्ट पहली बार होते हो, तुम्हें चुप करवाने अपने दिमाग को, पर वो नहीं रहा, तो उसी के बारे में सोच रहा है, तो तब तुम रियलाइज करते हो कि ये तो मुझे पागल कर देगा, तो व्हाट इज द वे आउट, दैट इज व्हेन द सर्च स्टार्ट्स। सो देन मोस्ट पीपल फाइंड एन आंसर इन अल्कोहल और ड्रग्स, राइट, बट देन यू फाइंड कि अब तो इससे कैसे निकले, नेक्स्ट स्टेज आती है, तो उसके बाद कोई प्योर वे आउट, व्हाट इज दैट वे। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। देखिए, मेडिटेशन करके आ गए, 10 दिन तो निकाले, लेकिन 10 दिन जो था वो आपका इंडक्शन था। एक्चुअली में चीज़ें तो अब शुरू हुई हैं कि आप जब घर वापस जाते हैं तो उसके बाद भी आपको आपकी साधना को कंटिन्यू रखना है। तो मैंने अपनी साधना को कंटिन्यू रखा है। सुबह मैं हमेशा चाहती थी कि सुबह मैं बहुत एफर्टलेसली उठूं, तो सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, फिर 6 बजे से अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देती हूँ, फिर उसके बाद शाम में भी रात में 8 बजे से 9 बजे तक मैं मेडिटेशन करती हूँ, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि जो ये सुख और शांति मैंने महसूस की है अपने अंदर, इसको मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि एफर्ट मुझे लगाने पड़ेंगे, तपस्या मुझे करनी पड़ेगी, ताकि मैं अपने चित्त को हमेशा निर्मल रख सकूं, ताकि मैं हमेशा अपने चित्त की शुद्धि रख सकूं, जिससे मुझे सत्य की प्राप्ति हो और अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान पाऊं, अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखूं, वो मेरी वजह से खुश हों, बस मेरी यही कामना है। बाकी इसके अलावा जाते जाते मैं अपने गुरुओं का जितना भी ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करूं, उतना कम होगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े ज्ञान से अवगत कराया, मुझे इतनी बड़ी बात सिखाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। आशा करती हूं आप जब विपस्सना मेडिटेशन के लिए जाएंगे तो आप अपने अनुभव अब मुझे शेयर करेंगे। अब आपका काम है कि जब आप अगली बार विपस्सना मेडिटेशन के लिए जाएं तो अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ मेरा जो ये छोटा सा प्रयास था आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिली होगी आपको। आप सभी खुश रहें, आप सभी का मंगल हो।